आगामी त्योहारों के चलते रीवा पुलिस सतर्क हो गई है। इसके चलते पुलिस आपराधिक मामलों में फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में रीवा पुलिस ने हत्या और अन्य मामलों का खुलासा करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने बताया कि 10 दिन पहले वशी अजीत साकेत नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए इन आरोपियों के पास से एक कार भी बरामद हुई है। आरोपियों ने उक्त कार रीवा के बोदा बाग मोहल्ला से चोरी करना कबूला है। थाना कोतवाली में अभी कुछ दिनों पहले आपको ध्यान होगा 11 तारीख को एक मर्डर हुआ साकेत समाज के एक व्यक्ति का, जिसको कई लोगों ने आकर के मारा। कुछ पूर्व विवाद था होली में, उसके बाद ये घटना घटी और घटना के बाद समाज के लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया था और पुलिस से मांग भी की थी कि शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाए, जिसमें CSP साहब ने जाके आश्वासन भी दिया था कि हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे। उसी क्रम में जो उसके घटना के जो मुख्य आरोपी हैं, जिसने तलवार मारी थी उसको, एक मेन साथी को, दो लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। अभी पुलिस ने कोतवाली के दो लोग तो पूर्व में अरेस्ट हो चुके थे, तो ये जो मेन उनके लीड लोग थे उनको अरेस्ट किया गया है। इनको जब अरेस्ट किया गया तो इनके पास से एक ऑल्टो कार मिली है, मारुति 800 कार मिली है। वो जब उनसे पूछताछ की गई कि कहाँ से आपको ये कार प्राप्त हुई, कैसे मिली, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने चोरी की है और चोरी की वो रिपोर्ट एक विश्वविद्यालय में ऑलरेडी उसकी रजिस्टर हुई थी, तो उनको रिकवर किया गया है। साथ ही ये सब क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, जिनसे और पूछताछ सघन की गई कि आखिर और क्या काम करते हैं और कैसे जाते हैं आते हैं। पूछताछ रहने वाले जो गांव है चूला, वहाँ की बाइक भी इन लोगों से बरामद हुई है, जिसकी भी रिपोर्ट चोरी की यहाँ पे दर्ज थी। तो इस प्रकार से दो आरोपी हमें मिले हैं, एक हमें कार मिली है 4-व्हीलर और एक हमें 2-व्हीलर मिला है। ये पूरा एक जो हमारे यहाँ वॉन्टेड थे जो लोग, उनको कोतवाली पुलिस ने अरेस्ट किया। इसके अलावा रीवा की सिविल लाइन पुलिस ने चोरी के अन्य मामलों में 2 चोरों और 1 संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जैसे आप लोग जान रहे हैं कि मोबाइल स्नैचिंग की बहुत सी घटनाएं इधर कई दिनों में लास्ट मंथ हुई हैं, तो उसको लेकर के इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पहले से फरार था आरोपी लूट में, और लास्ट जो हमारी बरामदगी है वो अज्ञात बरामदगी है मैं कहूँगा, क्योंकि जो इन सब लोगों को ये जो चोरी भी कर रहे हैं और लूट भी कर रहे हैं, इन सब लोगों से जब डिटेल में पूछताछ की गई कि भाई कैसे कहाँ क्या क्या करते हो, तो फिर पूछताछ में ही हम लोगों को यहाँ पे जो धार्मिक रूप से संबंधित है, मूर्तियाँ हैं, कई सारी और मंदिर की चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। मतलब हम ये समझते हैं कि ये सारी चोरियाँ जो है ये कहीं बाहर की हैं, रीवा जिले की कोई ऐसी चोरी अभी पिछले 10 महीने में जब से मैं हूँ तब से नहीं घटित हुई है, लेकिन संभवतः ये लोग सतना में और सीधी में और शहडोल में ऑपरेट करते हैं, और हो सकता है कि वहाँ पे कहीं पे ये चोरियाँ हुई हों।